सलामतपुर पुलिस ने 1.5 साल से 307 के मामले में फरार 3000 के इनामी हिस्ट्री शीटर को राजीव नगर से किया गिरफ्तार। रायसेन जिले के सलामतपुर थाना पुलिस को आखिरकार 1.5 साल से फरार हिस्ट्री शीटर बदमाश को पकड़ने में सफलता मिल गई है। ये बदमाश 4 जिलों की खाद छानने के बाद पुलिस गिरफ्त में आया है। सलामतपुर पुलिस को मुखबिर से पक्की सूचना मिली कि रंजीत जोशी उर्फ चिंटा राजीव नगर आ रहा है। थाना प्रभारी देवेंद्र पाल सिंह ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी देते हुए तत्काल राजीव नगर में घेराबंदी की, लेकिन आरोपी भनक लगते ही मौके से पहाड़ों की ओर भागा। पुलिस ने आरोपी का पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि 15 दिसंबर 2021 को आरोपी रंजीत जोशी उर्फ चिंटा पिता मुन्नालाल जोशी उम्र 30 वर्ष निवासी राजीव नगर सलामतपुर और उसके 2 साथियों अमन खान पिता अनीस खान व गोविंद पिता पूरन ने दारू के पैसों की मांग करते हुए विनोद जाटव पिता मानसिक जाटव पर जानलेवा हमला करते हुए गर्दन को कटर से काट दिया था और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर धारा 307, 327, 294, 506, 34 IPC एवं SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपी अमन खान और गोविंद को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन रंजीत जोशी उर्फ चिंटा घटना दिनांक से ही फरार था। रायसेन SP ने भी आरोपी की गिरफ्तारी पर 3000 रुपए का इनाम 2 मई 2023 को रख दिया था। रंजीत जोशी उर्फ चिंटा पर दर्ज हैं 9 मामले, 2 मामलों में हो चुकी है 7-7 साल की सजा। थाने का हिस्ट्री शीटर गुंडा रंजीत जोशी उर्फ चिंटा लूट और अड़ीबाजी के मामलों में मास्टरमाइंड है। इसके ऊपर सलावतपुर थाने में 9 मामले लूट मारपीट अड़ीबाजी चोरी के दर्ज हैं। ये थाने का निगरानी शुदा बदमाश है। ये वारदातों को अंजाम देने के लिए सबसे ज्यादा विदिशा रायसेन और बीना जिलों में सक्रिय है। 1.5 साल की मशक्कत के बाद आरोपी पुलिस गिरफ्त में आया है।